हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी एनालिसिस पे। दोस्तों मेरा नाम रुकेश देवांगन और फाइनली आज हम वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर एनालिसिस ज्योमेट्री आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे कमेंट और मैसेज भी आए थे मेरे पास में कि सर वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट कीजिए, पेपर का टाइम आने वाला है, हो सकता है मई के फर्स्ट वीक में पेपर स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है व्यू तो बहुत सारे हो जाते हैं, हजार हो जाते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट बहुत कम मिल पाते हैं। तो कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको शेयर कर देता हूं इसका सिलेबस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट, सदिश और अदिश गुणनफल। सदिश और अदिश त्रिगुणनफल पढ़ेंगे इसमें। ये हमारा यूनिट वन का लेक्चर नंबर वन है, और उसके पहले हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है इसका। देखिए सिलेबस इसका, तो यहाँ पे मैंने बीएससी बीएड पार्ट वन का लिया है, बाकी सिलेबस सभी का सेम वही है, ठीक है। मैथमेटिक्स पेपर नंबर थ्री है ये, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। वेक्टर एनालिसिस इसमें यूनिट नंबर वन है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, रेसिप्रोकल वेक्टर्स, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल से, ठीक है। सेकेंड यूनिट है हमारा वेक्टर इंटीग्रेशन, थ्योरम्स ऑफ ग्रीन, स्टोक्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। यूनिट नंबर थ्री है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स, सिस्टम ऑफ कॉनिक्स, कॉन्फोकल कॉनिक्स, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, ठीक है। यूनिट नंबर फोर है हमारा स्पीयर, कोन, सिलेंडर। यूनिट नंबर फाइव है सेंट्रल कॉन्साइट्स, पैराबोलाइड्स, प्लेन सेक्शन ऑफ कॉन्साइट्स, जनरेटिंग लाइन्स, कॉन्फोकल कॉन्साइट्स, रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो ये सभी, ये जो हमारा सिलेबस है उसको अपने सिलेबस से मैच कर लीजिएगा, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में फर्स्ट टॉपिक है हमारा अदिश त्रिगुणनफल। आप जानते होंगे स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। जिसमें दिशा होती है वो वेक्टर कहलाता है, सदिश कहलाता है, और जिसमें दिशा नहीं होती वो अदिश कहलाता है, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे कि अदिश त्रिगुणनफल, अदिश का मतलब क्या है, कोई वेक्टर मिलेगा, कोई नंबर प्राप्त होगा, मतलब क्या होगा कि वो a इज इक्वल टू आई जे के फॉर्म में मिलेगा। तो ये सबको देखेंगे अभी। देखिए हमारे पास तीन सदिश हैं, a इज इक्वल टू तीन सदिश हमारे पास में, एबीसी, a का b और c के सदिश गुणनफल से, ठीक है। b और c का पहले सदिश गुणनफल करेंगे। सदिश गुणनफल का मतलब ये रहेगा हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अदिश गुणनफल कहेंगे उसको, ठीक है। सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे और अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी कहीं पे लिखा हुआ है, मतलब ये है ये कि इसमें हो रहा है सदिश गुणनफल वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, या फिर इसको कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर यही ए डॉट बी है तो इसको कहेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर इसको मिक्सड प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीन सदिश हमारे पास में है, बी और सी, तो पहले बी और सी का सदिश गुणनफल करना है, और उसका सदिश गुणनफल का ए से अदिश गुणनफल करना है। मतलब कि पहले बी क्रॉस सी करेंगे और उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे अदिश गुणनफल, मतलब ए, ठीक है, या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी, इस प्रकार हम निकालेंगे। तो अदिश गुणा करने से एक अदिश राशि प्राप्त होती है जिसको सदिशों ए बी सी का अदिश त्रिक गुणनफल या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, तथा इसे a डॉट b क्रॉस c से प्रदर्शित करते हैं। देखिए a डॉट b क्रॉस c से हम कर रहे हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल यहाँ पे, तो अदिश त्रिक गुणनफल कहते हैं इसको, या इसको लिख सकते हैं a b c ब्रैकेट में, ठीक है, लिखा जा सकता है। इसको मिश्रित गुणनफल भी कहते हैं क्योंकि इसमें डॉट और क्रॉस दोनों ही होते हैं। देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी है और डॉट प्रोडक्ट भी है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मिश्रित गुणनफल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि स्केलर वैल्यू प्राप्त होती है इसमें। अब देखिए सदिश त्रिगुणनफल क्या होता है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होगी, इसमें स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो रही थी, ठीक है। तो तीन सदिश हमारे पास में है, तीनों सदिश का सदिश गुणनफल करेंगे, मतलब कि पहले बी क्रॉस सी का सदिश गुणनफल करेंगे, फिर ए के साथ में सदिश गुणनफल करेंगे, मतलब तीनों क्रॉस प्रोडक्ट में रहेगा। देखिए यहाँ पे तीनों का तीनों क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो इसको कहेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टिप्पणियां देख लीजिए, कौन सा मतलब कि अर्थ है, किसका अर्थ है, मतलब कौन सा डिफाइंड है, कौन सा अनडिफाइंड है, इन सबको देखेंगे। सबसे पहले ए बी डॉट सी देखते हैं। ए क्या हो गया, ए एक वेक्टर हो गया, बी डॉट सी को स्केलर हो गया, मतलब फाइव ले लेते हैं। तो चूंकि बी डॉट सी एक अदिश है, ठीक है, बी डॉट सी एक अदिश है, अतः ए बी डॉट सी एक सदिश हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, एक वैल्यू हो सकती है
5a या फिर इसको अगर ए आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले सकते हैं, अगर इसमें 5 का मल्टीप्लीकेशन करें तो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 5x 5y 5z हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे b डॉट c जो है मल्टीप्लीकेशन हो मतलब नंबर मिलेगा और a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको, जिसकी दिशा a की दिशा है जिसका परिमाण a के परिमाण का b डॉट c गुना है, ठीक है। अब यहाँ पे b क्रॉस c और यहाँ पे कुछ साइन नहीं लगा है, डॉट नहीं लगा है ना क्रॉस नहीं लगा है, अगर डॉट लगा होता तब भी चलता, यहाँ पे क्रॉस लगा होता तब भी चलता, अगर डॉट लगता तो उसे हम कहते हैं अदिश त्रिक गुणनफल जैसे ये वाला आ गया है, और अगर क्रॉस लगता तो उसे हम कहते हैं सदिश त्रिक गुणनफल, ठीक है। लेकिन वहां पे कुछ भी साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब हम उसको ऑपरेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। सदिश मिल रहा है यहाँ पे, उसको ऑपरेट कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे एक सदिश है बी क्रॉस भी एक सदिश है, किंतु दो सदिशों का गुणनफल बिना डॉट या क्रॉस के गुणा करना अपरिभाषित होता है, ठीक है। अतः ए बी क्रॉस सी अर्थहीन है, ठीक है। अगर a डॉट b डॉट c करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी अर्थहीन है, क्योंकि एक सदिश है b डॉट c एक अदिश है, परिणामतः उनका अदिश गुणनफल होना असंगत है, इसलिए ये अर्थहीन है। क्योंकि अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k होता है और b डॉट c इज इक्वल टू हमें मिल जाता है अगर 5, तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें i j होने चाहिए, लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट कर दी यहाँ पे दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट जब किए यहाँ पे तो कोई नंबर ही प्राप्त होगा। अब नंबर का एक हिसाब से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब क्या होगा, उसमें आई जे के तो है ही नहीं, तो उसमें डॉट प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते। अगर यही हमारे पास में डी इज इक्वल टू क्या होता, सदिश ए सदिश डी 3i प्लस 4j प्लस 3k अगर होता तब हम उसको प्रोडक्ट कर सकते थे, डॉट करे चाहे क्रॉस करे मिल जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है वेक्टर, यहाँ पे डॉट करने पर कोई स्केलर प्राप्त होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, कोई स्केलर प्राप्त होगा, मतलब 5 मिल गया, अगर मान लो जाए 5 मिल गया तो उसका वेक्टर मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्केलर हो गया यहाँ पे वेक्टर हो गया तो उसका वेक्टर मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है, इन सबको ध्यान रखिएगा। अब देखिए अदिश त्रिक गुणनफल के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो अदिश त्रिक गुणनफल डॉट और क्रॉस की स्थिति को इच्छानुसार परिवर्तित किया जाता है, रखिएगा कि a डॉट b क्रॉस c, b डॉट c क्रॉस a और c डॉट a क्रॉस b ये तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि चक्रीय क्रम में है, जैसे कि यहाँ पे a है उसके बाद b आया फिर c आया, इसमें यहाँ पे a है तो उसके बाद b है फिर c है, फिर यहाँ पे a है फिर b है फिर c है, मतलब एक चक्रीय क्रम में चलते जा रहा है, ठीक है। एक चक्र जैसे यहाँ पे इस तरह का बना, फिर से ए से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ए फिर बी सी है, यहाँ पे ए बी सी है, ये चक्रीय क्रम में है, मतलब तीनों इक्वल होंगे। अगर मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार के ब्रैकेट में ए बी सी, इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार के ब्रैकेट में बी सी ए, इसको लिख सकते हैं सी ए बी, ये वाले ब्रैकेट में, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट में। और अगर इसी को हम चेंज कर दें, ठीक है, अगर ऑर्डर को चेंज कर दें, जैसे कि ए बी सी लाइन से बन रहा है तब इक्वल है, लेकिन अगर ए डॉट सी क्रॉस बी हो जाए तो देखो ए डॉट बी क्रॉस सी है उसी को हम ए डॉट सी क्रॉस बी करेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा सामने में, ठीक है, माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वल नहीं है। देखो लाइन से नहीं बन रहा है, ए के बाद बी आना चाहिए था जो नहीं है, चक्रीय क्रम नहीं बन रहा है, यहाँ बी सी है तो यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है ए बी सी बन रहा है, तो यहाँ पे बी ए सी बन रहा था, ए बी सी बनना था लेकिन ए सी बी बन रहा है जो कि गलत है, इसलिए वहां पे क्या आना चाहिए था माइनस आ गया, सभी जगह माइनस लगाने की जब उसका क्रम जो है मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है, क्रम से नहीं रहेगा तो उसको हम चक्रीय क्रम में नहीं रहेगा तो हम चिन्ह को बदल देंगे। देखिए लिखा है यहाँ पे अदिश त्रिक गुणनफल के चक्रीय क्रम को बदल देने पर गुणनफल का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। और जब एक b क्रॉस c कहीं पे है, जैसे a क्रॉस b कहीं पे है उसका भी अगर चेंज कर देंगे तो c क्रॉस b अगर कहते हैं तो वहां पे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, c क्रॉस b कहते हैं इसको, b क्रॉस a करते हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा। देखिए मतलब कि ए बी सी इक्वल है, ए बी सी मतलब सी बी ए बी सी ए के और यहाँ पे सी ए बी के भी इक्वल है, लेकिन ए सी बी उल्टा बन रहा है, यहाँ पे भी ए बी सी उल्टा बन रहा है, यहाँ पे भी ए बी सी बन रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, बस ये है। अब इसके बाद में एकांक सदिशों आई जे के क्या है, एकांक सदिश है तो इनका अदिश त्रिक गुणनफल इकाई होता है, ठीक है, मतलब कि अदिश त्रिक गुणनफल क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। अब i है इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू हम क्या लिखे हैं, i प्लस जीरो जे प्लस जीरो के,
बी इज इक्वल टू लिया जाए तो जीरो आई प्लस जे प्लस जीरो के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वेक्टर ये भी है, एक वेक्टर ये भी है, एक वेक्टर भी है, लेकिन यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे कितना वैल्यू है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, बाकी दोनों जीरो है। इसी प्रकार लिख सकते हैं उसको। जब उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई जे के, तो आई का जे के साथ में, जे और के साथ में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, जे और के क्या होगा, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होगा। तो J क्रॉस K इज इक्वल टू क्या होता है, J क्रॉस K इज इक्वल टू I होता है। आप ये चीज तो पढ़े ही होंगे, ये एक सर्कल बनाते हैं हम जिसमें ये I होता है, ठीक है, ये I होता है, ये J होता है और ये K होता है। तो अगर I क्रॉस J करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, K प्राप्त होता है, ठीक है, इसी क्रम में चल रहे हैं। K क्रॉस I करते हैं तो J प्राप्त होता है, ठीक है, K क्रॉस I करते हैं J प्राप्त होता है, I क्रॉस J करते हैं तो, I क्रॉस J करते हैं तो, I क्रॉस J तो हो गया, J क्रॉस K करेंगे तो I प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को उलट दें, ठीक है, इसके जो ऑर्डर को चेंज कर दें, अगर I क्रॉस K करेंगे तो माइनस से प्राप्त होता है, ठीक है, I क्रॉस K अगर करते हैं तो माइनस J प्राप्त होगा, इसी को उल्टा कर दें, K क्रॉस J करेंगे तो माइनस I प्राप्त होगा, और J क्रॉस I करेंगे तो, J क्रॉस I करते हैं तो माइनस K प्राप्त होता है, ठीक है। तो इन सबको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि J क्रॉस K करने पर क्या प्राप्त हुआ, I प्राप्त हुआ, और I इंटू I करने पर 1 प्राप्त होता है। जब भी हम I का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वितरण नियम देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A B प्लस C C प्लस E है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब कि इन पहले इन तीनों को लिखेंगे, फिर इसके साथ में इसको लिखेंगे, ठीक है, मतलब कि A B और C बन जाएगा फर्स्ट वाला जो वेक्टर है, इस यहाँ पे इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे, फिर ए बी ई बनेगा, ठीक है, ए बी बन गया, उसके बाद में ए डी सी बन जाएगा, ए डी सी बन गया, फिर ए डी ई बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार कह सकते हैं, जहां प्रत्येक पद चक्रीय क्रम को बनाए रखा है, ठीक है, हर एक पद जो है चक्रीय क्रम में है। अब देखिए, अब इसके बाद में एक चीज याद रखना, जब ट्रिपल वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब क्या होगा, इसका फॉर्मूला जो याद रखिएगा, B क्रॉस C क्रॉस A है तो हमें मिलेगा A डॉट B, मतलब लास्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन करके डॉट प्रोडक्ट करके उसका हम C के साथ में प्रोडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे डॉट और क्रॉस नहीं लिखा है, यहाँ पे इसके लिए प्राप्त होगा, उसको उस वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बस इतना ही है। तो यहाँ पे A डॉट B इंटू C, ठीक है, A डॉट B इंटू C, यहाँ पे इंटू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं है ना, क्रॉस नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बस उसमें जो स्केलर प्राप्त होगा उसको C के अंदर, मतलब C क्या है, कोई वेक्टर है, जैसे 5i प्लस 2j है प्लस 3k है, अगर यहाँ पे a डॉट b इज इक्वल टू 5 प्राप्त होता है तो 5c हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 प्राप्त होगा तो 5c मिल जाएगा हम लोग को, 5c इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25i प्लस 10j प्लस 15k मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है, बस इतना ही है। तो यहाँ पे a डॉट b इंटू c, उसके बाद में a डॉट c इंटू b मिलेगा, माइनस में a डॉट c इंटू b, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा अच्छे से, उसी को माइनस में लिख सकते हैं, a डॉट b इंटू c और a डॉट c इंटू b, इस प्रकार से प्राप्त होने वाला। तो मेन इस फॉर्मूले को याद रखना कि a डॉट b इंटू c मिलेगा अदरवाइज, और उसके बाद माइनस में a डॉट c इंटू b मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा कहता है कि उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी कोरें समांतर षटफलक का आयतन हमें ज्ञात करना है, ठीक है, षटफलक, ठीक ठीक है, इसके 6 फलक होंगे, मतलब कि कोई क्यूब होगा, ठीक है, इसी के 6 फलक होते हैं, षटफलक होते हैं ये, ठीक है, कोई क्यूब होगा, तो समांतर षटफलक की आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी कोरें क्या है, ए बी सी इस प्रकार दी हुई है। तो यहां पे ये वेक्टर बनेगा ना हमारे पास में, a इज इक्वल टू ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, x, ये y और ये z, ठीक है। तो यहाँ पे 2i 3j और k, इस प्रकार अगर जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जब भी कहीं पे भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे b क्रॉस c किया गया है, b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू है i माइनस j प्लस 2k, और c इज इक्वल टू है 2i प्लस j माइनस k। तो यहाँ पे इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, आई के जो मल्टीपल होगा 1 है, ठीक है, आई का मल्टीपल 1 है, सबसे पहले ये आई जेके के फॉर्म में, ये भी आई जेके के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, पहले
यूनिट वेक्टर को यहाँ पे लिख देंगे आई जे के को, ठीक है ये के है, आई जे के को पहले लिख देंगे। उसके बाद में जो बी का जो यहाँ फर्स्ट में जो वेक्टर रहेगा उसका जो मल्टीपल है आई का मल्टीपल को पहले फर्स्ट में, जे के मल्टीपल को सेकंड में, और के मल्टीपल को थर्ड में। के का मल्टीपल क्या है 2 है, जे का मल्टीपल -1 है, आई के मल्टीपल 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 1-1 2 आ गया। अब उसके बाद सी को देखते हैं, उसके नीचे हम रखेंगे सी को। अगर हम इसी को सी को यहाँ पे रख दिया जाए और बी को इसमें रख दें तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है सॉल्व करके आप देख सकते हैं। तो C इज इक्वल टू 2i + j - k, ठीक है तो इसका मल्टीपल क्या आ गया i का 2, j का मल्टीपल 1 और k का मल्टीपल -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे b क्रॉस c इज इक्वल टू इस प्रकार मिल गया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो i के साथ मल्टीप्लाई कौन सा होगा, i के साथ में मल्टीप्लाई होगा ये दोनों और ये दोनों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो -1 × -1 + 1 आ गया, माइनस बीच माइनस लगेगा, और 1 × 2 = 2 मिल गया, मतलब 1 - 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। सेम वही चीज यहाँ पे जे पे देखेंगे, जे को यहाँ पे प्लस में लिया गया है तो इसका पहले मल्टीप्लीकेशन होगा मतलब 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ माइनस लगा इसलिए -± + हो गया × 1, तो 4 + 1 आ गया यहाँ पे। अब के का मल्टीपल क्या हो जाएगा, के साथ में 1 - -2, तो 1 + 2 = 3 मिल गया। यहाँ पे -1i मतलब -i, 5j और 3k, तो -i + 5j + 3k ये मिल गया। तो अभीष्ट आयतन क्या होगा, मतलब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने पर हम किसी भी क्यूब का अगर वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है तो हम उसका निकाल सकते हैं, उसका जो आयतन है वो निकाल सकते हैं, ठीक है वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो a डॉट b क्रॉस c इक्वल टू क्या, अब b क्रॉस c तो निकाल चुके हैं, अब b क्रॉस c की वैल्यू कितनी है इसको रख देते हैं यहाँ पे, मतलब -i + 5j + 3k, -i + 5j + 3k हो गया, और यहाँ पे 2i - 3j + k हो जाएगा, ठीक है। इसका हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब क्या मिलेगा, देखिए i का i के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब i का j के साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, i का जब k के साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो जब i का i के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे -1 है, तो 2 × -1 = -2 मिल गया, -3 × 5 = -15 मिल गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 × 3 = 3 प्राप्त हो गया हम लोग को, ठीक है। अब देखिए -15 - 2 -17 हो गया, +3 = -14 मिल गया। अब कभी भी वॉल्यूम जो है निगेटिव प्राप्त होता नहीं है, इसलिए हम इसको लेते हैं धनात्मक में, संख्यात्मक रूप में क्या मिल जाएगा 14 घन इकाई क्यूब यूनिट्स, ठीक है ये होता है इसका आयतन। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम अभी हमने क्या किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया, अब हम क्या करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे, और उसे हम सिद्ध करेंगे कि सदिश त्रिक गुणनफल के सूत्र a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a डॉट c, मतलब कि a डॉट c पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा फिर डॉट b, ठीक है, और उसके बाद में माइनस के साथ में a डॉट b डॉट c हो जाएगा, ठीक है a डॉट b डॉट c हो जाएगा। तो इतना आप याद रखना फॉर्मूले को, इसका हमें सत्यापन करना है, मतलब कि इसको निकालेंगे पहले a क्रॉस b क्रॉस c को, उसके बाद में a डॉट c * b माइनस a डॉट b * c का सत्यापन करेंगे, दोनों को इक्वल लाएंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास में, a इज इक्वल टू है i + 2j + 3k दिया रहेगा, b इज इक्वल टू 2i + j - k, c इज इक्वल टू j + k, ठीक है इसको हम लिख सकते हैं i 0i + j + k मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम पहले b क्रॉस c निकालेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो b क्रॉस c पहले निकाल लेते हैं, तो b क्रॉस c के लिए i j के फर्स्ट रो में, फिर सेकंड रो में b का जो i j के मल्टीपल होगा उसको लिखेंगे, वेक्टर b के जो i j के मल्टीपल होगा उसको लिखेंगे, मतलब i का मल्टीपल क्या हो गया 2 हो गया, 2, j का मल्टीपल 1 और k का मल्टीपल -1, 2 1 - 1, और उसके बाद में c में क्या है i का मल्टीपल 0 है, j का मल्टीपल 1 है और k का मल्टीपल, ठीक है k का मल्टीपल यहाँ पे 1 है, तो उसको लिख दिया हमने। फिर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, मतलब कि i के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हो जाएगा 1 और --+1, क्या मिल गया 1 + 1 = 2i मिल गया, फिर प्लस जे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 हो गया, 0 - 2, तो -2j, और k का 2 - 0 + 2k, तो हमें b क्रॉस c इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ 2i - 2j + 2k मिल गया। तो a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू, अब देखो a की वैल्यू कितनी है i - 2j + 3k, a की वैल्यू i - 2j + 3k है, यहाँ पे प्रिंट की मिस्टेक है सुधार लीजिएगा, i - 2j + 3k, और b की और c की वैल्यू 2i - 2j + 2k। तो फर्स्ट रो में i j k आ गया,
उसके बाद में देखिए फर्स्ट जो वेक्टर था उसका मल्टीपल, उसका जो मल्टीपल होगा आई जे के का उसको ले लेंगे, मतलब कि यहाँ पे 1-2 3 आ जाएगा, 2 3 आ गया, और यहाँ पे 2-2 2 आ जाएगा, 2-2 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे i का मल्टीपल क्या मिलेगा हम लोग को, इसका डिटरमिनेंट निकालने पर -4 + 6 मिल गया, ठीक है, डिटरमिनेंट आप आसानी से निकाल सकते हो। j के लिए क्या हो जाएगा 6 - 4 6 - 2 = 4 मिल गया, और k के लिए क्या हो जाएगा -2 + 4, ठीक है। तो अब इन सबको रख देंगे तो 6 - 4 = 2i मिल गया, 6 - 2 = 4j मिल गया, और 4 - 2 = 2k मिल गया, ठीक है। तो हमें a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, 2i + 4j + 2k, ठीक है। अब देखते हैं a डॉट c निकाल लेते हैं, तो a क्या है हमारे पास में, a की वैल्यू रख दी है और डॉट c की वैल्यू रख दी है, और उसके बाद में i के साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसमें जो कोफिशिएंट रहेंगे उसका जो मल्टीप्लाई रहेगा उसको लेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब यहाँ पे i का मल्टीपल क्या है 1 है, यहाँ पे 0 है लेंगे नहीं, तो 0 हो गया, i वाला मल्टीपल जो है यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ। उसके बाद j का मल्टीपल यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, तो -2 × 1 = -2 प्राप्त हो गया, और k इज इक्वल टू 3 × यहाँ पे 1 है इसलिए 3 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो 3 - 2 = 1 मिल गया, इसका a × c का मल्टीप्लीकेशन। अब उसको b के साथ में a डॉट c इज इक्वल टू हमें मिल गया 1, और उसको b में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो b क्या है 2i + j - k है। अगर इसमें 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या इस वेक्टर को, नहीं फर्क पड़ने वाला कोई भी, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो यहाँ पे सेम का सेम वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे 2i + j - k मिल जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे इसके लिए a डॉट b निकालना है, तो a डॉट b निकालने के लिए a और b का लेंगे, इसमें जो वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है उसको रख देते हैं, तो i - 2j + 3k और डॉट 2i + j - k, ठीक है। तो i और i का जो मल्टीपल होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है वैसे भी, जो कि यहाँ पे फिर से दिया हुआ है i × i = 0, i × i = 1 मिलता है, ठीक है। यहाँ पे i × j = 0 होता है, j × j = 1 और k × k = 1, अदर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे i का मल्टीपल यहाँ पे 1 है और यहाँ पे i का मल्टीपल 2 है, 1 × 2 = 2 मिल गया, -2 × 1 = 2 मिल गया, -2 मिल गया, 3 × -1 = -3 प्राप्त हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, -3 बच गया। अब a × b में क्या प्राप्त हुआ, a डॉट b में डॉट प्रोडक्ट में -3 प्राप्त हुआ, उसको हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, c क्या है -j + k है, और यहाँ पे जब -3 मल्टीप्लाई करते हैं तो -3j - 3 क्या आ जाएगा, -3j - 3 क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे j है तो -3j - 3 क्या आ गया। अब दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इसको और इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, इसमें 2i है, i तो सीधे 2i को ऐड कर मतलब पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे j प्लस में है, और यहाँ पे j 1j है यहाँ पे, और यहाँ पे -3j है, तो 1 - 3 = 1 - -3। हम यहाँ पे जब सबट्रैक्ट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 2i है, तो 2 + 2 - 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें i नहीं है, तो यहाँ पे i प्लस j के लिए 1 - -+3, 1 + 3 आ जाएगा, यहाँ पे j आ जाएगा, प्लस k के लिए -1 और --+3, मतलब -1 + 3 k मिल गया, तो 2i मिल गया यहाँ पे, 4j मिल गया, और +2 k मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2i + 4j + 2 k किसके इक्वल है, a क्रॉस b क्रॉस c के इक्वल है, ठीक है। यही हमें सत्यापित करना था कि a क्रॉस b क्रॉस c और a डॉट c × b - a डॉट b × c ये दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। यहाँ पे आ चुके हैं तो हमने सत्यापन कर लिया। तो ये तो इनिशियल था, हम आगे और पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे की जो वीडियो अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।